वक्त हम मौजूद हैं रायपुर जिले के ग्राम मुर्रा में। यहाँ के पूर्व सरपंच लगभग डेढ़ महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। करीबन 12 सूत्र इनकी मांगे हैं जिनको लेकर प्रशासन से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है, संतोषजनक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आइए हम बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ के जो पूर्व सरपंच है वो धरने पर बैठे हुए हैं। संतोष जी, आप करीबन डेढ़ महीने से 12 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, तो सरकार से क्या मांगे हैं आपकी और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है उन सब में? सरकार से मेरी मांग है कि गांव, जब मैं सरपंच था उस समय जो घास जमीन था 50-60 एकड़, जिनको हम लोग वो करते थे, चराते थे, वो प्राइवेट हो के बिक भी गया। ये है पूर्व कोटवार की जमीन बिक गया, इनका मतलब वापसी का मांग है। जी हमारा अडानी कंपनी जलाशय अंदर है, उनका बाहर करने का मांग है। रायखेड़ा धनसुली मूरा मार्ग जो है ये मतलब तहसील बन गया है लेकिन अधूरा है, एक फरलांग मात्र, वो उसको पूरा किया जाए तो 40 गांव को लगभग आने जाने वाले को 12 महीना मतलब वो होगा, लोगों को आने जाने की सुविधा मिलेगा। पिंडरावन जलाशय में मछली पालन किस समिति को दिया गया है, कम से कम पट्टी का लगना चाहिए। मूरा बाईपास रोड चालू किया जाए, ये जो अभी आप लोग गुजर रहे थे ये रोड जो है भारी के रोड वाहन के लिए ठीक नहीं है क्योंकि खतरा बना रहता है। आज आपको लगभग कितने दिन हो गए धरने में बैठे हुए? मेरे को 9 तारीख से बैठा हूँ, 9/12/2020 से बैठा हूँ मैं। मोरेंगा मोरा सोसाइटी में 60 लाख का जो घपला हुआ था पूर्व में, उनकी भी जाँच का मैं मांग कर रहा हूँ। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, आपसे कोई मिलने आया कि नहीं आया? मेरे मिलने के लिए आया था विधायक, क्षेत्रीय विधायक आई थी और वो फिर तहसीलदार, नायब तहसीलदार को भेजी थी, वो TI के साथ में आए हुए थे। मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन लेके गया, बोले एक सप्ताह रुक जाओ, स्थगित कर दो एक सप्ताह में कार्य ये करके। तो मैं बोला आप ले आओ, मैं एक सप्ताह मैं तो बैठा हूँ भाई, 12 महीना खाली हूँ, कार्रवाई आप लोग कीजिए, अभी तक पता ही नहीं है। तो जब तक अगर आपकी मांगों को पूरी नहीं करी तो सरकार, तब तक आप धरने पे बैठे रहेंगे? मैं चाहे मेरे को ना जितना भी दिन बैठना पड़े, मूरा से फिर विधानसभा से फिर वो कहाँ जो देते हैं ना, मेरे को उससे मतलब नहीं है, अनुमति देंगे कि मैं ADM कलेक्टर से ले लिया, पावती लगा हुआ है मेरे पास, अनुमति दे या मत दे, मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ, उनको जो करना है वो करेगा, मेरे को जो करना है मैं कर रहा हूँ। संतोष जी लगभग डेढ़ महीने से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, उनका कहना है जब तक प्रशासन की मांग को नहीं मानेगी तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। कैमरामैन बाबी कुमार खांडे के साथ मैं सिद्धार्थ शुक्ला, JC24.in।